गौरी मैरिज हॉल, एसी एंड नॉन एसी हॉल उपलब्ध है। शादी विवाह, जन्मदिन, मीटिंग, रिसेप्शन, सगाई आदि के लिए संपर्क करें। हसुआ गांव में ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाना बजाने को लेकर मारपीट में एक की हुई मौत। जीरादेव प्रखंड क्षेत्र के हसुआ गांव में एक बारात में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद भागने के क्रम में एक बस चालक ने एक युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि की है। बता दें कि उक्त गांव निवासी राम प्रवेश गिरी के यहाँ उनकी पुत्री की बारात सोमवार को आई थी। आज सुबह में 3 बजे जब वर वधू एवं उनके परिजन विदाई के कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी बारातियों एवं ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाने बजाने को लेकर मारपीट की शुरुआत हुई। मारपीट में बारात में आई बस का बस चालक भी शामिल था। मारपीट से व्यथित होकर सनकी बस चालक बस को स्टार्ट कर बारात के टेंट के चारों ओर दौड़ाने लगा, जिसके क्रम में कई कुर्सियां तथा टेंट के अन्य सामान भी रौंदे गए। इसी बीच उसे रोकने का प्रयास करने आए रोहित गिरी नामक एक युवक को भी बस चालक ने रौंद दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे पहले कि लोग कुछ करने के बारे में सोचते, बस चालक बस लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार आज शाम में कर दिया। वहीं गुस्साए लोगों ने दूल्हे को बंदी बना लिया। कुछ लोगों के बीच बचाव से दूल्हे को 9 बजे सुबह जाने दिया गया, लेकिन उसकी गाड़ी को नहीं जाने दिया गया। ग्रामीण खूनी ड्राइवर को बुलाकर सजा देने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक गाड़ी वहीं पड़ी हुई थी। इस हृदय विदारक घटना से जहां मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।